हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है उदय और आप देख रहे हैं डीकोडिंग टेक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10,000 ऐसे फोन्स के बारे में जो 4 रुपए के अंदर में आते हैं। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? नहीं, एक सेकंड, 4 ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो 10,000 रुपए के अंदर में आते हैं, जिनको आप बिना किसी चेकिंग, लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा के बिना खरीद सकते हैं, और साथ ही आपको देंगे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी 10,000 रुपए पे। तो चलो भाई, वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करना। अब एक चीज मैं आपको ये वीडियो शुरू होते ही बता देना चाहता हूँ कि जो भी 4 फोन्स मैं बताने वाला हूँ, पहली बात तो है कि बेस्ट टू वर्स्ट वगैरह कुछ है नहीं, और दूसरा इनमें से सबसे बढ़िया मुझे कौन सा लगता है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना तो बनता है ना बॉस। सबसे पहले नंबर पे आता है Xiaomi का Redmi का नहीं Xiaomi का Poco का M2। हाँ, Xiaomi Poco M2। इसमें प्रोसेसर अगर देखते हैं तो एक तो बिठाया गया है छोटा नहीं है, मतलब वैसे तो छोटा है बट परफॉर्मेंस में छोटा नहीं है, बट MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर जिसकी क्लॉक स्पीड है 2 GHz, 12 नैनोमीटर पे ये बना हुआ है। अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें लगा हुआ है एक तो IPS LCD डिस्प्ले जो की है 6.53 inches का। कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 3 भी डाला गया है ताकि आपका फोन जो है कुछ चीजों से बचा रहे, जैसे कि स्क्रैच है, जैसे कि फॉल है, थोड़ा थोड़ा सबसे बचा लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सुई लेके घसीट दिए, 12वीं मंजिल से फेंक दिए फोन को, ऐसा कुछ नहीं। जनरल ड्रॉप्स और जनरल स्क्रैचेस से जो है थोड़ा बहुत बचा के रखेगा। अब हाँ, इसी के साथ साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ये 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अब अगर कैमरे की हम लोग बात करें पीछे वाला, तो 13MP प्लस 8MP प्लस 5MP का एक ठो क्वाड कैमरा सेटअप बैठाया गया है। प्राइमरी कैमरे का जो सेंसर साइज है वो है 3.1 inches, तो हार्डवेयर के मामले में तो बॉस ये आग लगा रहा है। बाकी सॉफ्टवेयर आप बाकी यूट्यूब वीडियोस में स्पेसिफिकली सर्च करके देख सकते हैं। फ्रंट कैमरा 8MP का है, उसके सेंसर साइज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतनी सी चीज है भाई वो। अब अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी इसमें लगी 5000mAh की 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाली बैटरी। वेरिएंट्स वगैरह आप इसकी डायरेक्ट साइट पर जाकर ही देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे फोन्स का डाल दूंगा, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, मैं कर रहा हूँ ना काफी होती। अब अगर इसका जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस मैं आपको बता दूं, वो है 10,499, मतलब 10,500 रुपए। वो आप डिस्काउंट वगैरह लगा लेंगे सही टाइम पे अगर फोन को खरीदेंगे तो वो 10,000 ही पड़ेगा आपको। अगला कॉन्टेस्टेंट इन द लिस्ट Redmi 9 Prime। इसके अगर हम लोग प्रोसेसर की बात करें तो इसमें भी लगा हुआ है MediaTek का Helio G80। काफी फैलावा बिजनेस है, सेम 12 नैनोमीटर पे बिल्ड है, मतलब प्रोसेसर सेम ही है ना, इसके बारे में बता चुका हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। डिस्प्ले भी सेम है, IPS LCD 6.53 inches, और शायद तक हाँ जी 60Hz भी है, तो मतलब डिस्प्ले भी सेम ही मान लो। कैमरा भी सेम लगा रखा है भाई, ये क्या है, 13MP प्लस 8MP प्लस 5MP प्लस 2MP का एक और क्वाड कैमरा सेटअप, सेम। लेट्स मूव अहेड, फ्रंट कैमरा भी 8MP का है भाई, मतलब 80MP लगा रखा है, सेम तो नहीं, अलग अलग फोन है दोनों। बैटरी में एक डिफरेंस स्पॉट किया गया है, 5020mAh की बैटरी है, 20mAh 18W की फास्ट चार्जिंग भी सेम ही है। इसका अगर बेस वेरिएंट आप देखने जाएंगे तो वो मिलेगा आपको 10,000 रुपए पे, तो आप डेफिनेटली जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इन दोनों फोन्स में। तेजा मैं हूँ, मार किधर है। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं, Realme C25 जो हमारे कंटेस्टेंट नंबर 3 है, MediaTek का Helio G70 लगा हुआ है, G80 नहीं है, G70 लगा हुआ है, 2 GHz पे चलता है, 12 नैनोमीटर पे बिल्ड है, 6.5 इंचेस का एक ठोक IPS LCD डिस्प्ले लगा हुआ है, वही आपकी कॉमन 60Hz की रिफ्रेश रेट है, 13MP प्लस 2MP प्लस 2MP का एक ट्रिपल कैमरा सेटअप बैठाया गया है पीछे, जिसमें जो प्राइमरी सेंसर है उसके साइज है 3 inches, 8MP का फिर से एक फ्रंट कैमरा है। अब बैटरी में एक छोटा या बड़ा डिफरेंस है जो कि है 6000mAh की बैटरी है, जितने फोन अभी तक अपन ने देखे उसमें सिर्फ 5000mAh की है, इसमें 6000mAh की बैटरी है, 18W की फास्ट चार्जिंग है जो कि सफिशियंट है मेरे ख्याल से, मतलब 56-80W की चार्जिंग के साथ फोन को चांद पे थोड़ी पहुंचाना है हमको, हालांकि मिल जाए तो मजा आ जाए लेकिन हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, 18W भी काफी है। इसका भी बेस वेरिएंट वही 10,000 के आसपास आता है, 500 कम 500 ज्यादा, तो वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा चूज करते हैं, आप साइट पर जाकर देख सकते हैं सारे, मोटा मोटी 10,000 के आसपास ही है ये भी, इतनी तो मैं भी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। कंटेस्टेड नंबर लास्ट यानी कि नंबर 4 हम अगर बात करें तो वो है सैमसंग गैलेक्सी F12। इसमें अगर प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन नहीं लगा है, मीडियाटेक भी नहीं लगा है, एक्सिनोस का ऑक्टा 850 प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि 8 नैनोमीटर पे बिल्ड है,
बाकी सारे 12 नैनोमीटर्स पे बिल्ड है, ये 8 नैनोमीटर्स पे बिल्ड है। जिन लोगों को नैनोमीटर का खेल नहीं पता है, जितना कम ये नंबर होते जाएगा उतना मतलब प्रोसेसिंग एकदम तेजम तेज होती जाएगी। फिर से वही डिस्प्ले 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है। डिस्प्ले में ज्यादा लेफ्ट राइट होता नहीं क्योंकि प्राइस ब्रैकेट बहुत ही छोटा सा है यहाँ पे। अब एक डिफरेंस यहाँ पे है डिस्प्ले में, यहाँ पे रिफ्रेश रेट अगर देखें तो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, मतलब काफी सही चीज है। कैमरे में एक डिफरेंस है जहाँ पे 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का एक सेटअप बैठा हुआ है, जहां पे प्राइमरी सेंसर साइज 2 इंचेस का है। लेकिन भले ही सेंसर साइज 2 इंचेस का है, लेकिन भाई फोन सैमसंग का, सॉफ्टवेयर सैमसंग का और हार्डवेयर भी सैमसंग का, प्रोसेसर भी सैमसंग का, तो अब आप समझ सकते हैं ना सिंक्रोनाइजेशन अच्छा होगा जिसके कारण फोटोज थोड़ी बेटर आ सकती हैं। बाकी तो भाई आप प्रैक्टिकल डेमोज देख ही सकते हैं जाकर, फोन अवेलेबल है हर जगह, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। वही 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा अपना जी, बैटरी है 6000 mAh की लेकिन 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, बट सह लेंगे थोड़ा सा। और प्राइसिंग 9999 तो 10,000 रुपए है बेसिकली बेस वेरियंट जो आते हैं इसके, और आगे तो आपकी इच्छा है जितना आप खर्च करना चाहें। अब आता है 7 करोड़ का क्वेश्चन कि हम किस फोन को चूज करेंगे। हम बोले तो हम मतलब मैं देखो वैसे तो सारे ही बहुत बढ़िया हैं, कोई ऐसा ऊपर नीचे नहीं है, बट मैं पर्सनली अगर चूज करूँ तो सैमसंग का गैलेक्सी F12। क्यों? क्योंकि इसका प्रोसेसर मुझे बहुत पसंद आया, 8 नैनोमीटर बिल्ड प्रोसेसर है और ऊपर से सैमसंग का ही 1 UI भी है, सारी चीज़ें ओवरऑल सैमसंग ने ही डाली है मेजोरिटी। तो एक सिंक्रोनाइजेशन वाला चीज़ होता है यार, जिसे मतलब एप्पल होता है, जैसे एप्पल अपने ही सारे सामान डालता है उसमें, उसी तरीके से सैमसंग के ही सारे सामान है, तो मतलब सिंक्रोनाइज करना आसान हो जाता है सारी चीज़ों को, इसीलिए सैमसंग F12। बाकी सारे फोन्स भी बहुत अच्छे हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबको चूज कर सकते हैं। किसी का कैमरा अच्छा है, किसी का प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है, किसी की बैटरी और फास्ट चार्जिंग बेटर है, तो अपने हिसाब से देख लो भाई। और फिर भी अगर डाउट है कि मेरे लिए फोन है नहीं, सही है कि नहीं, आप अपना पर्पस मुझे कमेंट में लिखकर बता दीजिए, पर्पस जी मैं देखूंगा और फिर उस हिसाब से रिप्लाई कर दूंगा आपको फटाक से एकदम। यही थे वो 4 फोन्स और मैंने भी अपना सिलेक्शन बता दिया है। तो अब आपको क्या करना है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं हर संडे और वेडनेसडे टेक रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं और डालता रहता हूं। तो बस मिलते हैं हम लोग आने वाली वीडियो को जो कि आएगी संडे को, तो फिर मिलते हैं संडे को, सब्सक्राइब मार दो।